बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वाजिद सामीन। वाजिद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफियस ही होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स में बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज लिमिट रखी गया है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, बहुत ही ज़बरदस्त रखी गया है। दोस्तों, इसमें जो एज लिमिट रखी गई है एरो ट्रेड के लिए 15.5 साल से लेकर 20 साल तक, और जीसी जो प्रोवेस्ट हैं, एमटीडी हैं, ओ भी हैं फ्रेंड्स, वो आगे चलकर आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताता हूँ। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आगे चलकर गाइड करूँगा। तो आपने ए टू जेड वीडियो के साथ जुड़े रहना है, आपको सही समझ आएगी कि आपने फिर कैसे अप्लाई करना है, और आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डीएसएफ ऑफिशियल को, और साथ में लगे बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस पर वीडियोस मिलती रहें बिना किसी तकलीफ के। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये इसका असल एडवर्टाइजमेंट पेपर है पाकिस्तान एयरफोर्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाहसियत एरो ट्रेड पीएफ एंड डीआई प्रोवेस्ट एंड जीसी शमूलियत अख्तियार करें। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, एरो ट्रेड के लिए जो है मैट्रिक सेंस में से कम अज़ कम 60 नंबर होने चाहिए, और उसके अलावा फ्रेंड्स अंग्रेज़ी में जो होने चाहिए 150 में से 70 नंबर होने चाहिए। पीएफ डीआई जो है फ्रेंड, इसमें मैट्रिक से कम 60% नंबर होने चाहिए, और इसके लिए भी जो इंग्लिश में नंबर होने चाहिए 70 होने चाहिए 150 में से। और उसके बाद है फ्रेंड्स प्रोवेस्ट ट्रेड, इसमें से कम 55% नंबर होने चाहिए मैट्रिक में, और इंग्लिश में जो होने चाहिए 68% नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह रीड कर सकेंगे। उसके अलावा जीसी है, इसके लिए जीसी के लिए 50% मार्क्स रखे गए हैं, और इंग्लिश में 68 नंबर होने चाहिए। यहाँ पर देहाती इलाका जात जो हैं फ्रेंड्स, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इसमें जो रिलेक्शन और भी ज़्यादा दी गई है, यहाँ पर आप इनको अच्छी तरह खुद भी रीड कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, 4 जनवरी से 13 जनवरी तक इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। जी हाँ फ्रेंड, मतलब कि 4 तारीख से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, और 13 तारीख के एंड तक आपको 13 तारीख के 12 बजे तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, और आप टेस्ट में अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नज़र 6x6 होनी चाहिए, और हाइट भी आप देख सकते हैं 5 फीट 6 इंच और 5 फीट 9 इंच भी होनी चाहिए कुछ में फ्रेंड्स। आप इनको अच्छी तरह रीड कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो हमें नीचे कमेंट्स कर में आप डिस्कस कर सकते हैं, हम आपके साथ इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे। और जीसी के लिए जो एज लिमिट रखी गई 17.5 साल से लेकर 22 साल तक, और प्रोवेस्ट के लिए 17.5 साल से लेकर 22 साल तक, और पीएफ के लिए जो है 16.5 साल से लेकर 22 साल तक, और एरो ट्रेड के लिए 15.5 साल से लेकर 20 साल तक एज लिमिट रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने अच्छी तरह रीड कर लेना है फ्रेंड्स। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो हम आपके साथ नई वीडियो डिस्कस कर देंगे, उसका जैसे अप्लाई स्टार्ट होता है ऑनलाइन 4 तारीख से, तो हाँ वो वीडियो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले बिना किसी ताखीर के पहुँच जाए। तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ने गिबान।